फोन कहाँ रह गया मेरा? पापा, आपका फोन। अरे बेटा, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। कहाँ भूल जाते हैं ये। लाओ, ये लीजिए। लाओ, मैं जरा जाकर आता हूँ। अरे बेटा, लगता है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ बेटा। ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा? नहीं, फल तो नहीं, ठीक से यूज नहीं किया होगा। ठीक से यूज किया था बेटा। साथ में चलते हैं। क्या होगा? बैठिए। हाँ, संभाल के चलाना बेटा। देखो, इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा। एंटर कीजिए। 4648। रंगस्वामी कौन है? अपने बाप को नहीं जानता? तो बताइए क्या करना है। अमाउंट डालना है बेटा। कितना? 5000। एंटर कीजिए। 5, 50, 500, 5000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही बोलती है मैडम बार बार। जरा कार्ड देना, हटो। चार छः चार आठ। अरे उस वक्त ऐसी एक पर्ची निकली, कहा ना कार्ड में खराबी है, इसे बदलवा देते हैं। चेक करके देना चाहिए था। हद करते हैं लोग। देखो बेटा, बैंक में जाकर पूछते हैं। हाँ चलो, बकवास मशीन है, 3 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। सर बोलिए। सर, ये मेरे पापा हैं, इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए मिसिंग है सर। ये क्या बात कर रहा है बेटा? कार्ड खराब है, ये कैसे हो सकता है? पैसे गायब हो गए? अकाउंट से निकालने के बाद किसी ने आपसे पैसे छीने क्या? नहीं नहीं सर, पैसे डायरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं? अपना अकाउंट नंबर देना। 8747298472। एक मिनट, स्टेटमेंट चेक करने दो। इन्होंने कहीं पर खर्च किए हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। सर, इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें से एक भी हमने नहीं किया है सर। पैसे निकाले गए हैं सर, आप ही के अकाउंट से। सर, आई एम वेरी श्योर सर, इतने सारे ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल है सर। सर, ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और किसने किए होंगे? सर, मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर। 4648 ये दबाना है, बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर, इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक FIR कॉपी मुझे दीजिए। हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक पैसा नहीं निकाला, वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब, यहाँ पर एक स्टॉल था ना, वो आदमी कहाँ चला गया? उसने एक महीना पहले स्टॉल लगाया था, पर 2 दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस में कंप्लेन करो जाकर। पापा, आप जरा शांत हो जाइए, बस पकड़ के घर चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। अभिमन्यु बोलो। सुना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार, मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, जरा उसके डिटेल्स निकालेगा प्लीज? कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123। हाँ, 0123 482121। ओके। ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ, किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है, उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर देना। ठीक है, मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए 1 दबाएं। ये ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। अभिमन्यु, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा ACP हैं, उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था, एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए,
सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहां फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए आपके पास आ गए। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तूर सर। अम्बत्तूर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन चार चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो, कम से कम एक साल अंदर चलेगा तुम्हें। अंकल तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना। देखो तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो, ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। ए, एक बात और, ईएमआई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते, ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु हिम्मत मत हारो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो भांजे। बेटा किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। चलो सिर्फ 10 लाख ही क्यों, 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या, 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं। क्या इंसान है, अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप? ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दी आपने। क्या कर रहे हैं? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे उस एसीपी ने, आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर, उधार ले लेकर मेरी मां को मार दिया आपने, आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए पापा। पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू अभी मनियो कुआवे भांजे नहीं, निकल जाइए।